कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ हैं सर। उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो आपकी हालांकि बीजेपी तो 10 सौ पे लड़ने के तैयार है, आप भी कुछ क्लेम कर रहे हैं, लड़ेंगे कि नहीं उस सीटों पे? अभी आप ही के पास से सूचना मिल रही है कि 10 सौ पर लड़ेगी। हम लोग तो अब तक जानते रहे कि एनडीए 10 सौ पर लड़ेगी। अगर एनडीए 10 सौ पर लड़ेगी तभी तो शायद हम आशीष पटेल हम दोनों जैसे लोगों को ड्यूटी लगाई गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ही अकेले लड़ना होता तो हम लोग ड्यूटी क्यों लगाते? आज के दिन वोट लेना होगा सर, परंपरा रही है, जो सीटें जिसके हाथ में रहती है वो लड़ती है। ऐसा कभी कुछ उसमें होगा तो बातचीत होगा, उस पर देखा जाएगा। कितनी सीटें सर आप मांग रहे हैं? अभी हम लोग तो पहले से जो 2 सीटें हमारी है, और परंपरा ये मांगने की जरूरत नहीं है, वो लोग हमेशा देते ही रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सहयोगी दलों का सम्मान करती है। अभी हम लोग 10वीं सीट पर एनडीए की तैयारी है कि जो भी प्रत्याशी होगा उसे जिताएगा। लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस एनडीए की बहुत अच्छी नहीं रही थी, क्या लग रहा है कि 10 में से कितनी सीटें इस बार आप निकाल लेंगे? परफॉर्मेंस अच्छे आएंगे क्योंकि पिछली बार में चुनाव आयोग की थोड़ी शिथिलता की वजह से लोग भय भ्रम झूठ बोलकर आरक्षण और संविधान के नाम पर लोगों ने वोट ले लिया। अब चूंकि कुछ अच्छे काम हम लोग थे उसमें समझाने में नाकामयाब रहे और वो लोग थोड़ा झूठ बोलकर वोट लेने में कामयाब रहे, हमको लगता है कि हम लोग फिर से समझाने में कामयाब रहेंगे और जीतेंगे। पीडीए वाले तो बड़े उत्साहित वो कह रहे हैं जैसे लोकसभा चुनाव में हराया वैसे ये उपचुनाव में हरा देंगे। हम ऐसा है कि आंशिक सफलता जिसे भी मिल जाती है उसे थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है, लेकिन वो आंशिक सफलता अकेले उनकी नहीं है, वो कांग्रेस वाले भी हैं। अब पीडीए का नारा देने वाले की जो जमीन है वो माननीय मुलायम सिंह ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष करके कांग्रेस को भगाया था यहाँ से, अब फिर से अपनी खेती में कांग्रेस को कितना कटवाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की वो उनके ऊपर है। तो देखो सपा ही नहीं उत्साहित है, सपा के खेती पर कांग्रेस ने जो अपनी फसल तैयार कर रही है वो उनसे ज़्यादा उत्साहित है। हम लोग ठीक है, सरकार तो बनी, वोट सीट कम आई है, लेकिन सपा को सोचने की आवश्यकता है कि हमारी खेती कितने कांग्रेस काट रही है और कितना कटवाएंगे, जबकि उसको कांग्रेस को हटाने में हम लोगों ने माननीय मुलायम सिंह के साथ मिलकर लंबे संघर्ष से बाद कांग्रेस को हटाया था, और आज वेलकम कर रही समाजवादी पार्टी, तो कुछ समय बाद देखिएगा कांग्रेस और सपा में क्या आता है। सर यूपी में बुलडोजर तो खूब चला, दूसरे स्टेट ने भी इस बुलडोजर पॉलिसी को अपनाया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बुलडोजर पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधी के नाम पर उसका घर न गिराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि अपराधी ने अगर अवैध संपत्ति कब्जा कर रखा है तो वहाँ बुलडोजर नहीं चला। हमको लगता कहीं अपराधी के नाम पर किसी का घर नहीं गिराया जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट मिलता है कि अवैध संपत्ति है, रिपोर्ट लगती है, नपेते हैं, कागज देखे जाते हैं, तो ऐसी अवैध संपत्ति अगर कहीं बुलडोजर से गिरा भी होगा तो उसके पास अगर एविडेंस होगा कि नहीं हमारी संपत्ति थी बुलडोजर ने गिरा दिया तो शायद न्यायालय पूरा संज्ञान मिले, तो ऐसा कोई संज्ञान नहीं है। हमको लगता है कि बुलडोजर से किसी ये नाम के नाते नहीं बल्कि अवैध संपत्ति किया है वो बुलडोजर का। सर आखिरी सवाल, कंगना रनौत ने भी कह दिया कि जो जाति जनगणना है वो नहीं होनी चाहिए, मोहन भागवत भी इसके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं, आपका क्या स्टैंड है जाति जनगणना पे? अभी तो आरएसएस की बैठक में अम्बेडकर साहब ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का मतलब जैसे बिहार में जनगणना हुई तो कुर्मी और यादव को इकट्ठा गिन दिया, बाकी जातियों को भूजा गिन दिया, जैसे निषाद है उसको 15 जातियों में 10.5 दिखा दिया, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार, और अपनी जातियों को करोड़ों में दिखा दिया। तो ये राजनीति है कि नहीं हमारी संख्या इतनी है तुम्हारी संख्या इतनी है। अगर आप अपनी सारी उपजातियों को इकट्ठा करके गिने तो और जातियों को भी उनकी उपजातियों को इकट्ठा करके गिनना चाहिए, पहले विसंगति तय हो जाए कि कौन जाति कहाँ गिनी जाएगी। 18% निषाद 80 में गिना जाएगा, ओबीसी में गिना जाएगा, सेंसस मेलवर 1961 कहता है कि नहीं 80 है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने नोटिफिकेशन कर रखा है 31 दिसंबर 2016 को कि ओबीसी में नहीं है। तो समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी हो वो स्टैंड क्लियर करे ना कि ये जातियां कहाँ गिनी जाएंगी, पहले विसंगति दूर हो। सर विपक्ष थोड़ी स्टैंड क्लियर करेगा, सरकार स्टैंड क्लियर करेगी, सरकार किस तरह कराना चाहती है कि सरकार कराएगी तब उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन जो मांग कर रहे हैं उन्हें तो बताना चाहिए कि ये जातियां को यहाँ गिनना चाहिए। आज के दिन में आप निषाद को पीडीए में डालेंगे, भाई पीडीए में डालेंगे, और आप ही 31 दिसंबर 2016 को पिछड़े से निकाल के अनुसूचित में डालेंगे, तो एक ही आदमी दो बातें कहेगा तो दो बातों का जवाब तो उसी को देना पड़ेगा ना। सवाल यही है कि करा लेंगे आप लोग, करवाएंगे? हमको उम्मीद है कि आज भी तो कल जनगणना तो होना ही है,
कराना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि कौन जातियां कितनी सोशली एजुकेशनली पिछड़ी हैं और कौन जातियां पिछड़ों और दलितों या हर जाति में गरीब कितने हैं, कितने किस स्थिति में हैं और उनकी स्थिति कितनी होगी, तभी उसे विकास की मुख्यधारा में लाया जा सकता है। धन्यवाद सर बात करने के लिए।